लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, राजस्थान पुलिस के होनहार इंस्पेक्टर विष्णु दत्त बहुत ही होनहार काबिल परम प्रिय जन जन के प्रिय विष्णु दत्त जी जो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत की शान थी। बिश्नोई जी की ऐश में मृत्यु बहुत ही दुख का कारण है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है कि ऐसे होनहार और काबिल इंस्पेक्टर ने आत्महत्या क्यों की। प्रश्न उठते हैं, सवाल उठते हैं, हर किसी के मन में एक सवाल उठता है कि क्यों हुआ ऐसा। ऐसा दिलेर जिसने हजारों की संख्या में हत्याएं आत्महत्याएं देखी हैं, जो दिन रात मुजरिमों के पीछे रहा है, क्या वो तुच्छ से किसी राजनीतिक या किसी अफसरशाही से डर गया? नहीं, बहुत बड़ा मामला जो है ये होगा। बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है, साजिश है, कोई ना बड़ी साजिश है, इसको मीडिया सामने लेके आएगी। हम सभी इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच होनी भी चाहिए। क्या जिनके नीचे रह के ये अपराध हुआ है, जो एक हमेशा जनता का प्रिय, लोगों के दुख सुख में खड़ा रहने वाला सहनशील वीर और अनुभवी इंस्पेक्टर, क्या छोटी मोटी बात में आत्महत्या करेगा? नहीं, कभी नहीं। वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे। क्या राजनीतिक दबाव था? क्या कोई अफसरशाही दबाव था? कौन सा ऐसा दबाव था जिसके कारण उसने ये अनुचित कदम उठाया, जो लोगों को समझाता था, लोगों के दिन रात मसले सुलझाता था? क्या उसकी जिंदगी का मसला खुद नहीं सुलझा सकता था? मैंने पढ़ा भी था और टीवी पे लाइव भी देखा था कि उनके मित्र थे जयपुर से वकील, वो कह रहे थे कि हाँ मेरे से बात हुई, व्हाट्सएप पे चैट हुआ, लेकिन फोन नहीं मिल पाया। कुछ ना कुछ ऐसी दबी हुई बातें थी जो बहुत कुदेरने से निकलेंगी और उसको बहुत बड़ी एजेंसी, बहुत अच्छी एजेंसी से जांच करवाई जाएगी तो ही ये बातें निकल के सामने आएंगी। लोकल पुलिस के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर फिर वही अफसरशाही, फिर वही राजनीति होगी। इसके पीछे जो साजिश है उसका पर्दाफाश करने के लिए बहुत अच्छी एजेंसी से, और किसी एजेंसी से, अच्छी एजेंसी से, बड़ी एजेंसी से जांच करवानी चाहिए। ऐसे अफसर, ऐसे ऑफिसर्स हमेशा नहीं मिलते हैं। सैकड़ों सालों में एक आध बार एक ऐसे ऑफिसर निकल के आते हैं जो लोगों के दिलों में राज करते हैं, और विष्णु दत्त विष्णोई जी लोगों के दिलों पर राज किया। उनकी फेसबुक पे देखिए 80,000 से भी ऊपर फॉलोअर हैं, क्यों ना होंगे? बहुत ही नेक दिल इंसान थे वो, सच्चे थे, कानून के रक्षक थे, प्रहरी थे, राजस्थान ही नहीं पूरी भारत के सितारे थे, हीरो थे वो। तो क्या ऐसे ही ये अफसर आत्महत्या करते रहेंगे? क्या ऐसे नौजवान हम अपने देश के खोते रहेंगे? कारण क्या है इसके पीछे? इस कारण को ढूंढना पड़ेगा, अवश्य ढूंढना पड़ेगा, चाहे कोई भी कारण हो। कारण कुछ भी रहा हो, कोई ना कोई कारण ऐसा जरूर है जो जिसके कारण इतने बड़े ऑफिसर्स को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। उनकी सोच कैसे एकदम तुच्छ हो गई? कैसे इतने कायर हो गए वो? क्यों डर गए इतने वो? क्यों घबरा गए जीने से? क्या बहुत बड़ी साजिश थी? क्या बहुत बड़ा प्रेशर था, बहुत बड़ा दबाव था उसके ऊपर?
वो किस चीज़ की जांच कर रहे थे, कौन से केस उसके हाथ में थे, कहाँ कहाँ गए थे वो, किस किस से मिले थे इन दिनों में, वो सभी जांच का विषय है और ये जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। यही हमारा लोक प्रसार चैनल भी इस मुद्दे को उठाएगा। हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से और भी बातें करेंगे, लोगों की दिलों की भावना हम लेंगे, उनके परिवार के साथ और सगे संबंधियों से हमारी संवेदनाएं हैं। वो हीरा तो हम आपका वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो हमारे दिल में जो भावनाएं हैं, जो आदर उनके प्रति था, वो आज भी है और आगे भी रहेगा। वैसे ही माननीय और सम्माननीय आप हमेशा रहेंगे, उनके परिवार के सदस्य रहेंगे। वो एक रास्ता दिखा के गए हैं, उस सच्चे और ईमानदारी के रास्ते पे चलना है तो कठिन, लेकिन कोशिश करें कि उसके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलें, उसके पदचिन्हों पर चलें और उसके जो सपने अधूरे थे वो हम पूरे करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पूरी घटना के साथ, पूरी जांच के साथ फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने इस बात को लेके। तब तक मंगत राय लांबा को आगे दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।